का स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। और आपको बता दें कि न्यूज नेशन पर अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का बड़ा खुलासा सामने आया है। शर्लिन ने कहा है कि माल का मतलब ड्रग्स ही होता है, ये बात हर कोई जानता है। शर्लिन ने यह भी कहा है कि अगर एनसीबी शर्लिन को बुलाएगी तो शर्लिन एनसीबी के सामने कई बड़े खुलासे कर सकती हैं। शर्लिन हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शर्लिन, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है, और एक सवाल जो कुछ लोगों के जहन में हो सकता है शर्लिन, वो ये कि शर्लिन इतने दावे से कैसे कह रही हैं कि माल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स। सर, ये बात सबको पता है कि माल का क्या मतलब निकलता है। हम सब बॉलीवुड पार्टीज में, सब ना सही, जो बॉलीवुड में काम करते हैं वो सब कभी ना कभी किसी ना किसी बॉलीवुड पार्टी में गए होंगे। और जो अनुभव मेरा रहा है, जो मैंने देखा है, जिस किस्म के शब्दों का प्रयोग लोग करते हैं वो ऐसा ही होता है। शर्लिन, अगर कुछ बता सके, क्या आपने देखा है ऐसा जो आपको लगता है कि देखिए ड्रग्स का, माल का मतलब ड्रग्स है, किस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से लोगों के एक्सप्रेशंस रहते हैं, व्यवहार किस तरीके का रहता है? सर, सबसे पहले जो लोग माल लेते हैं वो यदि माल न मिले उन्हें डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ड्रग्स दो किस्म के होते हैं, स्टिम्युलेंट्स जो नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करते हैं, डिप्रेसेंट्स जो नर्वस सिस्टम को सप्रेस करते हैं। यदि उन्हें ड्रग्स ना मिले तो उनकी बॉडी लो फील करना स्टार्ट करती है, ऐसे में इन्हें लगता है कि ये डिप्रेस्ड हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सैडनेस, हेल्पलेसनेस। तो आप क्यों इस दलदल में फंसे हो? दलदल में आप फंसते हो उसके बाद आप डिप्रेशन के नारे लगाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जो शर्लिन जो बात आप कह रही हैं वो सीधे सीधे दीपिका पादुकोण से जुड़ती है, क्योंकि दीपिका भी ये बात कहती रही है लगातार कि मैं डिप्रेशन में रही हूं। शर्लिन, जो बात आप कह रही हैं वो सीधे सीधे दीपिका से जुड़ती है। दीपिका भी ये दलील देती रही हैं कि मैं डिप्रेशन में रही हूं। राकेश मेरे सहयोगी दीपिका के घर के बाहर से जुड़ रहे हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन शर्लिन, पहले सवाल आपसे यही। सर, सोशल मीडिया पर कुछ कॉकरोचेस ऐसा बोल रहे हैं मेरे इंटरव्यूज देखकर, अरे तू तो अंग प्रदर्शन करती ना, तू हमारे दीपिका मैडम पर आरोप क्यों लगा रही? तो मेरा उनसे ये कहना है, डियर कॉकरोचेस, जाकर अपने मैडम से पूछें, मैडम आपके डिप्रेशन का कारण क्या है? जब एक मजदूर जो दो वक्त की रोटी के लिए सुबह शाम मेहनत करके इस उम्मीद पर जीता है कि उसका आने वाला कल उसके आज से बेहतर होगा, आपने वो उम्मीद क्यों छोड़ी? और आप डिप्रेशन का शिकार कैसे बनी? क्या आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, काम नहीं है, परिवार का सहारा नहीं है, पति का प्यार नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? क्यों आपने डिप्रेशन को एक ट्रेंड बना दिया? क्यों एक गर्भवती महिला पैदल चलकर लॉकडाउन के समय मुंबई से अपने गांव पहुंचती है, बीच रास्ते में सड़क किनारे वो बच्चा पैदा करती है, क्या वो डिप्रेशन का शिकार नहीं है? क्या वो फील नहीं करती कि अरे ये कैसे दिन देख रही हूं मैं? आप डिप्रेशन 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 बोलते रहते हैं माल का सेवन लेने के बाद। आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं देश के युवा को? क्या आप देश के युवा को ये बोल रहे हैं कि यदि आप डिप्रेशन के शिकार हैं, नो प्रॉब्लम, माल है ना, कृपया माल का सेवन करें? गलत है ये। आप देश के युवा को बोलो कि इट इज नॉट कूल टू एंगेज इन ड्रग कंजम्पशन। आपको पता है क्या होता है ड्रग्स लेने के बाद? आपकी नर्वस सिस्टम खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ छिड़काव नहीं करते हो, इसलिए आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। यदि बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो क्या होता है बॉडी के साथ? क्या पता है आपको? अलग अलग किस्म के भयंकर डिजीज होते हैं। लेकिन शर्लिन, देखिए दीपिका तो इस बात को कबूल कर रही है कि मैं डिप्रेशन में थी। आरोप उनके ऊपर ड्रग्स लेने का लगा है, लेकिन श्रद्धा कपूर ने कभी नहीं कहा कि मैं डिप्रेशन में थी। सारा अली खान ने कभी नहीं कहा कि मैं डिप्रेशन में थी, लेकिन एनसीबी के रडार पर वो भी हैं ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर, हालांकि वो इनकार कर रही हैं इन तमाम बातों से। आप समझ सकते हैं सर कि ये जो न्यू जनरेशन है इन पर कितना गहरा असर पड़ रहा है ड्रग्स के, ड्रग कार्टेल को लेकर। इन्हें लगता है इट इज एब्सोल्युटली कूल टू कंज्यूम ड्रग्स। पार्टी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले ये पूछते हैं, माल क्या है, व्हाट्स द लेटेस्ट ट्रेंड, यो यो यो,
यो मतलब पार्टी करने के लिए इनको माल चाहिए, सेक्स करने के लिए माल चाहिए, इंटरव्यू देने के लिए माल चाहिए, एक्टिंग करने के लिए माल चाहिए, जिंदगी में खुश रहने के लिए माल चाहिए। किस तरह का आप मैसेज दे रहे हो देश के युवा को? नहीं, माल की जरूरत नहीं है खुद के नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करने के लिए। आप वर्कआउट करो, वर्कआउट करके देखो आप कितना हाई फील करोगे, जोश चढ़ता है वर्कआउट करने के बाद। आप उसका प्रचार नहीं करते, क्यों नहीं करते? आप बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी डिप्रेशन इज एन इलनेस। आप कहिए ना रिपीट आफ्टर मी इट इज नॉट कूल टू एंगेज इन ड्रग कंजम्पशन। इट इज नॉट कूल बिकॉज इट रूइंस योर इम्यूनिटी। बिल्कुल, इट ब्रिंग्स इट डाउन। न्यूज़ नेशन से इस खास बातचीत की शुरुआत में आपने कहा था, एक सवाल आपने खड़ा किया था कि सिर्फ जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं उन्हीं का नाम अभी तक सामने क्यों आया है? क्या आपको लगता है कि बड़े कुछ सितारे एक्टर्स उनका नाम भी आने वाले वक्त में आ सकता है एनसीबी के रडार पर? वो भी ड्रगिस्ट हैं, वो भी माल लेते रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके नाम बहुत जल्द आएंगे। हो सकता है कि एनसीबी इंतज़ार कर रही है कुछ पुख्ता सबूतों के लिए, और एक बार उनके हाथ ये सबूत लग जाए उसके बाद वो उन बड़े खिलाड़ियों को भी जांच के लिए बुलाएंगे, समन भेजेंगे। एंड ये जो कुछ हो रहा है ना सर, ये बहुत अच्छा हो रहा है। लोग कह रहे हैं हम बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, हम बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉलीवुड बदनाम है। हम तो बस ये चाह रहे हैं कि बॉलीवुड स्वच्छ बने, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यहाँ पर आकर सुरक्षित महसूस करे। उसका जवाब मैं आपसे और बहुत संक्षेप में लेना चाहूंगा। आप जब भी ऐसी किसी पार्टी में गई हैं जहाँ पर लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, किस तरीके का माहौल वहां पर आप देखती थी? किस हालत में लोग नजर आते? सर, उनकी सोच में क्लैरिटी नहीं होती है, शब्दों में क्लैरिटी नहीं होती है, बहकी बहकी बातें करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अनिर्बन, फाउंडर ऑफ क्वान, जब मैं उनसे मिलने गई थी, आई एम श्योर कि वो एक नंबर का नशेड़ी होगा जी। उसने इतनी गंदी बेहुदी बातें रखी मेरे सामने। कोई इंसान होश में ऐसी बातें नहीं कर सकता है। आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, आप सबसे पहले क्या कहोगे? सो हाउ इज लाइफ, और क्या चल रहा है लाइफ में, तो आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए, अच्छा और आपको क्या करना है लाइफ में, आप इस तरह की बातें करेंगे? बिल्कुल, अनिर्बान जिसको लेकर शर्लिन आपने कई बड़े खुलासे किए थे, अपना दर्द साझा किया था न्यूज नेशन के साथ, पूरे देश ने देखा था किस तरीके का अनिर्बान का अनुभव रहा। इस तरीके की और कुछ चीजों को भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपिका के घर के बाहर से, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको जरा कुछ हम ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल में दीपिका के खिलाफ मुश्किलें बढ़ कैसे रही हैं, क्यों लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि दीपिका जेल जा सकती हैं? दीपिका और रिया के बीच में समानता क्या है जिसके चलते हम ये कह रहे हैं कि दीपिका जेल कब जाएंगी, जा सकती हैं या नहीं? दरअसल में रिया चक्रवर्ती ने भी कहा था कि मैं ड्रग्स नहीं लेती हूं। दीपिका ने भी कहा एनसीबी के सामने कि मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिए। पहली समानता दोनों के बीच में, सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए। देखिए ये यहां पर समानता, पहली समानता नजर आती है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत के लिए मैंने ड्रग्स मंगवाई है, इस बात को रिया चक्रवर्ती ने कबूला है। दीपिका ने कबूला है कि हाँ ड्रग्स में मैं व्हाट्सएप का एक ग्रुप था जिसमें मैं बात कर रही थी, माल है क्या इसके बारे में मैंने जिक्र किया था करिश्मा से, लेकिन हैश किसके लिए मंगाई है इस बात पर दीपिका अभी तक चुप हैं। रिया पर आरोप लगा है ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन का, संगीन आरोप है, देश में सख्त कानून है, बड़ी सजा यहां पर रिया चक्रवर्ती को हो सकती है। दीपिका पर भी यही आरोप लग सकता है ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन का, और अगर ये लगता है यानी ड्रग्स की खरीद फरोख्त, ड्रग्स की तस्करी, ड्रग्स को बेचना, तो यहां पर दीपिका की मुश्किलें कुछ उसी तरीके से बढ़ेंगी जैसे कि रिया चक्रवर्ती की। जया साहा के साथ कनेक्शन है रिया चक्रवर्ती का, यह सामने आ चुका है। दीपिका भी जया साहा के संपर्क में थी, ये जानकारी लगातार सामने आ रही है। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राकेश जुड़े हुए हैं, शर्लिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शर्लिन देखिए, हम यहां पर समानता दिखा रहे हैं रिया और दीपिका के बीच में, क्या आपको भी लगता है कि जो बातें हम दिखा रहे हैं ये दीपिका की मुश्किलें लगातार बढ़ाने वाले बहुत आने वाले वक्त में? सर, एनसीबी ने यह खुलासा किया था कि दीपिका पादुकोण न केवल माल व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबर रही थी, बल्कि उस माल व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन भी रही। तो सवाल ये बनता है, क्योंकि वो एडमिन थी, वो जब चाहे इस ग्रुप को एग्जिट कर सकती थी, या इस ग्रुप को वो ख़त्म कर सकती थी, कैंसिल कर सकती थी, डिलीट कर सकती थी, डिलीट क्यों नहीं किया, ख़त्म क्यों नहीं किया ये सिलसिला? एज एन एडमिन वो कर सकती थी, क्योंकि उनके हाथ में पूरा कंट्रोल था।
तो उन्होंने इस ग्रुप को बरकरार क्यों रखा, क्यों, क्या चल रहा था उस ग्रुप में, माल है क्या, हाँ ये है क्या, वो है क्या, बिल्कुल। और फिर आप फैंस के सामने, फॉलोअर्स के सामने आकर कहते हैं देखिए आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड और मेंटल हेल्थ के लिए मैं कुछ करना चाह रही हूँ, क्यों, क्यों लोग आपको अपना आदर्श माने? ये बड़ा सवाल है दीपिका से, जो सवाल यहाँ पर शर्लिन चोपड़ा पूछ रही हैं कि क्यों आपको आदर्श माने देश और दुनिया के वो लोग जो आपकी फिल्में देखते हैं। लेकिन शर्लिन, हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त जुड़ रहे हैं दीपिका पादुकोण के घर के बाहर मुंबई से, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी राकेश जी। जी शुक्रिया अनुराग। शर्लिन, लगातार आपने खुलकर अपनी बातें रखी हैं और पिछले 2-3 दिनों से मैं दीपिका के घर के बाहर भी लगातार मौजूद रहा हूं। हर एक तस्वीर और हलचल जो बेचैनी दीपिका के चेहरे पर थी, रणबीर के चेहरे पर थी, वो बेचैनी भी साफ नजर आई। मेरे 2-3 सवाल हैं। एक तो 12 वकीलों की फौज के साथ अगर तैयारी की जाती है, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो क्या ये बेचैनी नहीं दिखाती? और क्या ये नहीं लगता कि दाल में कुछ नहीं काला, शायद आधे से ज़्यादा दाल या पूरी दाल काली है? जी सर, अगर सच में उन्होंने माल का सेवन नहीं किया हो तो 12 वकीलों के साथ सलाह मशवरा करने की ज़रूरत क्यों पैदा हुई, ये नौबत क्यों आई? दूसरी बात यह है, आपको यदि एंग्जाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि जो जिसके मन में सच्चाई हो, जिसके मन में निडरता हो, भय ना हो, वो एंग्जाइटी अटैक्स या पैनिक अटैक्स का शिकार नहीं होता जी। तो आपको ये अटैक्स क्यों आते हैं, क्या क्या छुपा रही हैं आप? आपके दिल में वो कौन सी बातें हैं जो आपको खाई जा रही हैं? आप खुलकर आइए, बताइए सबको, बताइए। देखिए इस देश की जनता बहुत ही ठीक है, बड़े दिल वाली है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आपको सूली पर चढ़ा देंगे, हम आपको गले लगाएंगे, हम बोलेंगे ओके जो भी हुआ सो हुआ, ठीक है। अब आप नहीं, सही नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देश की जनता बड़े दिल वाली है और इसी देश की जनता ने दीपिका पादुकोण को अभिनेत्री नंबर 1 का तमगा दिलाया, उनकी फिल्मों को पसंद किया, उनकी फिल्मों ने अगर 200 करोड़ का बिजनेस किया तो इसी देश की जनता ने प्यार दिया। मेरी 2 बातें और है, मैं चाहूंगा एक साथ आप उनका जवाब दें। एक तो बॉलीवुड की पार्टियों में आपने पहले भी कहा है कि ड्रग्स ऑफर किया जाता है, तो ड्रग्स कैसे ऑफर किया जाता है? अगर एक पार्टी होती है तो क्या ट्रे में रखकर या फिर कोई और तरीका होता है? आईपीएल के बाद होने वाली पार्टियों को लेकर भी आपने कई बात कही है, ये 2 मेरे सवाल होंगे। तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है, हमारे साथ अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा हैं, लगातार वो कई बड़े खुलासे न्यूज नेशन पर कर रही हैं बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली को लेकर। शर्लिन, जो सवाल यहां पर हमारे सहयोगी राकेश आपसे पूछ रहे थे, मुंबई की इन पार्टियों में ड्रग्स को सर्व कैसे किया जाता, क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपने महसूस किया? सर, जुहू में एक बहुत ही मशहूर लाउंज बार है, वहां पर मैं कई बार गई बॉलीवुड की पार्टीज़ में, जब जब इनविटेशन आती है, न्योता आता है शामिल होने के लिए, तो शुरुआत में मैं जाती थी ये सोचकर कि वहाँ पर नेटवर्किंग होगी, निर्माताओं से, निर्देशकों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा एंड हो सकता है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ये सोचकर मैं जाती थी। और मैं देखती थी कि वहाँ पर नशीली पदार्थों का सेवन कैसे किया जाता है, चुपके से वॉशरूम में जाते हैं एंड वॉशरूम में जाकर जो करना है, जो स्नॉट करना है वो कर लेते हैं, और फिर नाक वगैरह सब अच्छी तरह से पोंछ के ऐसे ऐसे करके देखते हैं आईने में, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, हाँ ओके, फिर बाहर निकलते हैं। तो ऐसा 2-3 बार मैंने वॉशरूम्स में देखा यहाँ जुहू के एक जाने माने लाउंज बार में, एंड लेने के बाद, नशीली पदार्थों का सेवन करने के बाद, या तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं जब वो स्टिमुलेंट्स लेते हैं जैसे कोकेन, या नहीं तो एकदम रिलैक्स फील करते हैं जब वो चरस या गांजा लेते हैं। तो उनके स्वभाव से समझ में आता है कि हाँ, इसने कुछ ले रखा है या ले रखी है। आँखों में जो ये होता है, देखने का तरीका, बात करने का तरीका, एंड कभी कभी उनको उनकी ज़बान लड़खड़ाती है, शब्द निकलते नहीं है मुँह से, वो बोलना कुछ चाहते हैं, बोलते कुछ और हैं। तो ये सब मैंने देखा है, अनुभव किया है। एंड रही बात कोलकाता की, तो वहाँ पर मैंने जब आफ्टर पार्टी के लिए गई थी मैं, वहाँ पर के आर के प्लेयर्स को देखा नाचते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, और
खूब मस्ती की हमने, बहुत बहुत एंजॉय किया। उसके बाद थक्के मारे जब मैं वॉशरूम गई फ्रेशन अप होने के लिए, वहाँ पर मैंने स्टार वाइव्स को वाइट पाउडर स्नॉट करते हुए देखा एंड वो मेरे लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक था क्योंकि वो पहली दफा था जब मैंने जिंदगी में वो दृश्य देखा। शर्लिन मैं थोड़ा सा रोकता हूँ, लेकिन ऐसे वास्तव में कभी मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। मैं चाहूंगा शर्लिन इसको आप विस्तार से बताएं, कोलकाता में आप किस मैच का जिक्र कर रही हैं? केकेआर का मैच था अगर मैं ठीक हूँ। आप वॉशरूम में गई थी, उस दौरान आपने क्रिकेटर्स की वाइफ को ड्रग्स लेते हुए देखा था। आप क्या नाम बता सकती हैं कि वो क्रिकेटर्स कौन थे या फिर उनकी वाइफ कौन थी? आप थोड़ा सा उसको मैं चाहूँगा स्पेसिफिक होकर बताएं। जी, मैंने ये कहा था कि मैंने बॉलीवुड सितारों की बीवियों को वहाँ पर देखा था वॉशरूम में, और मैंने ये भी कहा कि यदि एनसीबी बॉलीवुड सितारे या क्रिकेटर्स की वाइफ एनसीबी मुझसे ये कहे कि मैं नाम लेकर, मैंने उस पार्टी में केकेआर के क्रिकेटरों को और केकेआर के मालिक को, मालिक के चहेते दोस्तों को और उनकी बीवियों को देखा। पार्टी करने के दौरान जब थकान महसूस हुई, पसीने छूटने लगे, तब मैं वॉशरूम में गई और वॉशरूम में बॉलीवुड सितारों की बीवियों को देखा व्हाइट पाउडर को स्नॉट करते हुए। बिल्कुल। तो ये सब देखने के बाद कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये बातें मीडिया के सामने रखूं, कभी हिम्मत पैदा नहीं हुई क्योंकि अब नाम लेंगी आप? मैं वही कह रही हूं, क्योंकि अब एनसीबी जुड़ी है बॉलीवुड स्वच्छ अभियान के साथ। ठीक है जी, बिल्कुल। जब कभी एनसीबी से बुलावा आएगा और एनसीबी कहेगी मिस चोपड़ा जो जो आपने देखा है नाम लेकर आप बयान दें, तो ईश्वर को साक्षी मानकर। बिल्कुल, बड़ी खबर जैसा शर्लिन ने शुरुआत में ही खुलासा किया कि एनसीबी जैसे ही शर्लिन चोपड़ा को बुलाएंगी, एनसीबी के सामने शर्लिन उन तमाम चेहरों का जिक्र करेंगी, अपना पूरा अनुभव साझा करेंगी। यानी कुल मिलाकर आने वाले वक्त में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं जिसमें शर्लिन भी अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शर्लिन, न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए।